अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर फ्रेंड, मेरा नाम हफीज वसीम। वसीम मार्केट चैनल पर तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम या टाइम पीरियड। तो फ्रेंड, जो मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे कुछ सवाल आ रहे थे नए दोस्तों की तरफ से कि जब मैं कहता था कि आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम को देखें, उसमें प्रैक्टिस करें और उसका एनालिसिस करें, तो उनको समझ नहीं लग रही थी कि कौन से टाइम फ्रेम की बात करते हो। तो इसलिए मैंने डिटेल के साथ ये पूरा ट्यूटोरियल बनाया है कि वो तमाम दोस्तों का कंसेप्ट क्लियर हो, जो नए हैं जिनको इतनी जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि टाइम फ्रेम की जब हम बात करते हैं तो कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि कौन कौन सी कैंडलस्टिक हैं और कौन कौन सा टाइम फ्रेम है, और जो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है वो कौन सा है, जो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है वो कौन सा है, वो तमाम को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले जो लॉन्ग जो टाइम फ्रेम है हमारे पास, वो मंथली कैंडल है। यानी कि यूँ समझें कि आपकी पूरे मंथ में एक कैंडल बननी है। यानी कि एक मंथ की एक और 12 महीने में आप कह लें कि 12 कैंडलें बननी है। तो आप यूँ समझ लें कि ये अगर आप कोई भी दोस्त ये ट्रेड करता है तो वो एक तो बड़ी लंबी इन्वेस्टमेंट होती है और लॉन्ग ट्रेड होती है। तो आप क्योंकि आप इतनी लंबी ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी जो कैंडल है वो वीकली कैंडल है। फ्रेंड, वीकली भी एक लंबा ट्रेंड देखना पड़ता है, लंबी ट्रेड होती है, क्योंकि पूरे महीने में 4 वीक होते हैं। तो आप यूँ समझ लें कि 12 महीने और कह लें कि 48 यानी इसकी कैंडल्स बनेंगी पूरे साल के अंदर। तो ये भी एक लंबा ट्रेड है, लंबी ट्रेड है। तो आप जाहिर है ये भी नहीं करेंगे, तो इसको भी हम ज़्यादा ट्रेड से नहीं देखते। इसके बाद जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो डेली या डेली से नीचे वाली जो टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, डेली जो कैंडल है ये समझ लें कि जो हफ्ते में जो 5 दिन काम होता है, यानी कि जो हमारी जो फॉरेक्स की वर्किंग डे है, जो यानी कि जितना स्टॉक है, जितनी ट्रेडिंग मार्केट है, वो 5 दिन वर्किंग होती है उसकी, 24 घंटे ये चलती है मार्केट। तो आपने इसलिए हमने डेली से ले रहे हैं, यानी हफ्ते में 5 दिन और महीने में तकरीबन ये 22 दिन हो जाते हैं। तकरीबन 22 दिन मार्केट चलती है और 22 दिन की आप समझ लो कि 22 कैंडल होंगी पूरे महीने में। तो ये भी एनालिसिस आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आप पुराने हो जाए लंबा, अगर आपके पास टाइम कम है, आप यानी कि हफ्ते में 1-2 दफ़ा देख सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो तब आप डेली की कैंडल के हिसाब से एनालिसिस करके अपनी ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह फ्रेंड, जो नेक्स्ट है वो है H4 कैंडल। H4 कैंडल आप यूँ समझे कि इस पे आपका एक अच्छा एनालिसिस हो सकता है, और इससे जो भी एनालिसिस आपने करना है इस पे आप बड़ा टाइम फ्रेम देख के इसको डेली का या H4 का आप छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हो। ये यूँ समझ लें कि ये H4 जो है बड़ा यानी अच्छा टाइम फ्रेम है अगर आप अच्छी ट्रेड करना चाहते हो। तो इसके बाद फ्रेंड है H1 का। कुछ दोस्त H1 पे ट्रेड करते हैं। H1 आप समझ रहे हैं कि 24 घंटे मार्केट जब चलती है तो पूरे डे में आपको सिर्फ यानी कि कह लें 24 कैंडल होती हैं। तो 24 कैंडल का जो एनालिसिस अच्छा हो जाता है और ये कोई ना कोई पैटर्न बना लेती हैं और आप एक अच्छी ट्रेड लेने में कामयाब हो सकते हो। और अगर H4 पे करो तो यानी इसकी 6 कैंडल्स होती हैं पूरे डे में। तो आप इसका मतलब है कि ये पूरे तकरीबन वीक की आपकी अच्छी ट्रेड हो सकती है, 1-2 ट्रेड आपको अच्छी मिल सकती है, क्योंकि जाहिर है उस हिसाब से कैंडल बनेंगी तब जाके आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो इसके अलावा फ्रेंड, जो नेक्स्ट जो हमारा टाइम फ्रेम है M30 है, यानी कि 30 मिनट का, आधे घंटे का। तो अगर यूँ समझें कि 24 घंटे मार्केट चलती है तो H1 में अगर 24 है तो ये उसका हाफ टाइम फ्रेम है। तो इसका मतलब कि ये जो इसकी जो कैंडल बनेंगी पूरे दिन में 48 कैंडलें बनेंगी। तो 48 कैंडलों में बड़ी वाजिया पोजीशन नज़र आ जाती है मार्केट की छोटे टाइम फ्रेम में जो डे ट्रेडर होता है, तो ये एक अच्छा टाइम फ्रेम है। इसके अलावा फ्रेंड जो है नेक्स्ट है M15। ये भी एक अच्छा टाइम फ्रेम है जो डे ट्रेडर हैं, जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, जो छोटे टाइम फ्रेम पे काम करने वाले हैं, ये भी एक अच्छा टाइम फ्रेम है। इस पे भी काफ़ी लोग काम करते हैं। और जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम है जो जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो वह M5 है।
M5 पे भी कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं, यानी बहुत छोटी ट्रेड हो जाती है, यानी कि स्कैल्पिंग मीन के छोटा छोटा 5-10 पेपर निकाल ली और साइड पे हो गए, फिर 5, यानी कि उसके लिए आपको आपको मतवातर बैठना पड़ता है अपने लैपटॉप पे, और मतवातर आपको एनालिसिस करने के बाद आपको एक अच्छी ट्रेड मिलती है। वो तब होती है जब आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा सा आपका एनालिसिस अच्छा हो जाए, तब जाके M5 पे आप ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आप लॉस करोगे। इसके सबसे जो छोटा टाइम फ्रेम वो है वो M1 का है, लेकिन M1 पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा कि आपको इस पे ट्रेड नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा आप डेली से लेके M5 तक ये ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसको हम मजीद हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 24 घंटे जब मार्केट चलती है तो पूरे दिन की यानी कि डे की एक एक कैंडल बनती है, और H4 की 6 कैंडल बनती हैं, और H1 की 24, और M30 की जो 48, यानी यहाँ से लेके आप एक अच्छा एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि H1 की जब 24 कैंडल बनेंगी तो आप कोई भी मूवी एवरेज या दूसरा इंडिकेटर लगाओगे तो आपको थोड़ा सा एक अच्छा आइडिया हो जाएगा, एक अच्छा पैटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर M30 है तो ये उससे भी अच्छा, और M15 है तो ये भी और वाजिया आपको जो मार्केट नज़र आना शुरू हो जाती है। इसी तरह M5 है, M5 में 288 कैंडल्स बनती हैं 24 घंटे में, तो यहाँ पे भी आप एक अच्छी ट्रेड आपको मिल आप ले सकते हैं और आपको मिल सकती है। तो फ्रेंड चले लाइव चार्ट पर देखते हैं, मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। जी फ्रेंड, तो यहाँ आपके सामने चार्ट है, लाइव चार्ट पे हैं हम, यूरो वर्सेस USD का चार्ट है। हम वैसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे हमने डिस्कस किया। आप देख रहे हैं कि अगर आपको कहे कि यार आप मंथली मंथली एनालिसिस करते हो, तो आपको यहाँ से मंथली सिलेक्ट करना है। मंथली मंथली मींस के पूरे माह की जो है एक आपको यहाँ पे कैंडल मिलेगी। अगर मसीद इसको डिवाइड करना हो, देखना हो, तो आप प्रॉपर्टी में जाएं, यानी कि अपने माउस से राइट क्लिक करें, और यह नीचे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में जैसे जाते हैं यहाँ कॉमन आ जाता है, कॉमन को क्लिक करें तो यहाँ पर आपको शो पीरियड सेपरेटेड, यहाँ को क्लिक करें तो आपको बिल्कुल एक लाइन नज़र आएगी जो आपको सेपरेट करेगी, यानी कि आप यूँ समझ लें कि आप यहाँ पे अगर गिनना चाहें तो आप गिन सकते हैं कि यहाँ पे एक यानी कि एक पीरियड है, इस पीरियड के अंदर कितनी कैंडलें हैं, इस पीरियड में कितनी है, इस कितनी है, ये इस कितनी है। तो ये आपके क्योंकि ज़्यादा आपके काम की नहीं है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, ये वीकली है, आप वीकली देख सकते हो कि वीकली जो कैंडल्स हैं वो कितनी कैंडल होती हैं। इसी तरह जो डे की हैं, आप डे की आप कैंडल आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक डे का पीरियड है, यहाँ तक देखें। अगर डे के आपने कोई ट्रेड करनी है तो आपको यहाँ से पूरा देखना पड़ेगा। जी फ्रेंड, तो यहाँ इसको सेलेक्ट करवाएं तो ये आपका पूरा पीरियड है, यानी कि दोनों लाइनों के मिड में आपको जो पूरा जो कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं वो 22 कैंडल्स हैं, यानी कि पूरे महीने का यानी कि एनालिसिस है। अगर आप महीने का करना चाहें तो ये पूरी कैंडल है, यानी कि आप अंदाज़ा करें कि अगर आपने डे पे करने हैं तो पूरे मंथ का आपको एनालिसिस आपको करना मिनिमम करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा आपको कैंडल्स का आइडिया होगा। तो अगर आप यही कर लेते हैं, H4 कर लेते हैं, अगर H4 करते हैं तो H4 का जो टाइम टेबल है इसके मुताबिक जो जितनी आपकी वो कैंडल बनेगी इस पीरियड के अंदर वो 30 होंगे, यानी 30 कैंडल हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये भी आपको एक अच्छा यानी एनालिसिस मिल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ से आपको एक अच्छा एनालिसिस करने को मिल रहा है। तो ये भी आपके लिए बेहतरीन टाइम फ्रेम है, यानी अगर आप थोड़ी सी लंबी ट्रेड करना चाहते हो, हर टाइम बैठना नहीं चाहते हैं, लेकिन 4 घंटे बाद तो आप मार्केट को अगर दे सकते हो तो इसका मतलब आप H4 पे काम करो। H4 का जैसे ही आप एनालिसिस करोगे तो आपके लिए यानी कि पूरे 24 घंटे में आपको 6 कैंडल बनेंगी। तो 6 कैंडल का मतलब है कि आप जो डे में ट्रेड अगर आपने करनी है तो वो तकरीबन 3-4 यानी कि दफ़ा आपको मार्केट को देखना होगा, और अपनी पूरी पूरी मार्केट का एनालिसिस करने के बाद एक अच्छी ट्रेड ले सकते हो। इसमें ये कि आपको ट्रेड मुश्किल से मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेड होगी और बड़ी ट्रेड हो गई, यहाँ से आपको लंबा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके अलावा अगर फ्रेंड हम H1 को करते हैं तो H1 में आप देख सकते हैं कि पूरे दिन का ये पीरियड है, ये वाला पूरे दिन का पीरियड है, और इसमें जो 24 कैंडल होगी यानी कि 24 घंटे मार्केट चलेगी, तो इसका मतलब 24 घंटे पे 24 घंटे तो आप ज़ाहिर है वॉच नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो भी अपना टाइम फ्रेम रखना है, अगर आप जिस टाइम फ्रेम में बैठना चाहते हो, फर्स्ट क्या कि सुबह की जो मार्केट है वो जब ओपन होती है, वो एशियन मार्केट है,
तो जो जो अगर आपके पास सुबह के टाइम टाइम है तो आप सुबह टाइम दे लें, यानी कि तकरीबन 11-12 बजे तक आप बैठ सकते हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। अगर आपके पास दोपहर का टाइम है तो आप 12 बजे से लेकर ऑनवर्ड 5 बजे तक बैठ सकते हैं, और आपको एक अच्छी यानी यूरोपियन जो जो टाइम फ्रेम है उस मार्केट में आप काम कर सकते हो। अगर आपके पास ये दोनों टाइम फ्रेम नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप जो है सेकंड यानी कि इवनिंग टाइम जो आपकी यूएसए मार्केट है जो 5-6 बजे जो ओपन होती है वो सुबह 2 बजे तक चलती है, उसमें आप काम कर सकते हो। तो मतलब ये है कि आपको यहाँ से हर वो ट्रेड मिल सकती है और हर वो टाइम फ्रेम में जो आप चाहते हैं। अगर जो 24 आवर में अगर काम करना चाहते हैं तो H4 की कैंडल को देखें, और हर 4 घंटे बाद आप एक दफ़ा मार्केट को देख सकते हैं। अगर आप H1 पे काम करना है तो ज़ाहिर 24 घंटे तो अपनी बैठ सकते हैं। तो आप कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लें, दोपहर वाला या शाम वाला या सुबह वाला, तो आप काम कर सकते हो। तो इसके अलावा फ्रेंड, अगर आपके पास M13 है, अगर 13 का आप टाइम फ्रेम रखते हो तो आप यूँ समझ लो कि आज जहाँ H1 में आपके पास 24 कैंडल थी डे में, यहाँ पे आपके पास ये जो है पूरी 48 कैंडल है। तो 48 कैंडल में आप देखिए बहुत अच्छा आपको एक अच्छा एनालिसिस मिल रहा है, और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से निकलती है, मूव होती है। तो आप यूँ समझे कि आपके लिए एक अगर डेली ट्रेडर हैं तो ये M13 का भी एक बेहतरीन टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड, इससे जो नीचे वाला टाइम फ्रेम है M15 है, M15 में भी काफ़ी लोग काम करते हैं। तो आप यूँ समझे कि आप अगर M13 में आपको 48 था तो ये 96 यानी कि 96 जो कैंडल्स हैं आपको इस टाइम पीरियड में मिलती हैं। तो ये भी आपको एक बेहतरीन टाइम फ्रेम आपको मिलता है और एनालिसिस करने का, और आप एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये वो तमाम वो चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। इसके जो स्कैल्पिंग के लिए ज़्यादा लोग यूज़ करते हो M5 का टाइम फ्रेम है। तो M5 पर आप देख रहे हैं फ्रेंड कि जो मैंने आपको बताया कि इस पे कितनी कैंडल होती हैं, तो उसके हिसाब से ये इस टाइम फ्रेम में आपको मज़ीद अच्छी यानी कि कह लें छोटी ट्रेड मिल सकती है, और आप एक अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो लोग ज़्यादा नहीं बैठ सकते वो H4 में H4 का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। जो उसे काम बैठ सकते हैं वो H1 का कर सकते हैं, M13 का कर सकते हैं, M15 का कर सकते हैं, और जो स्कैल्पिंग करना चाहें वो M5 पे कर सकते हैं। तो ये बॉस ये वो तमाम टाइम फ्रेम की कैंडल्स थी जो हमने कोशिश की डिस्कस करने की। आई होप के जो नए फ्रेंड हैं जिनके जहन में ये क्वेश्चन था कि कौन सा कैसा टाइम फ्रेम आपकी बात कर रहे हैं हमें समझ नहीं लग रही, तो उनको थोड़ा सा अब आइडिया हो गया होगा कि मैं किस टाइम फ्रेम की बात करता हूँ। इसका मतलब फ्रेंड कि जब आप देखें, जैसे आप फर्ज कर रहा हूँ कि आप आए हैं मार्केट में अभी आके बैठे हैं, तो आपने आपने ट्रेड ढूंढनी है, तो सबसे पहले फर्ज किया क्या H4 पे आप काम करते हैं, यहाँ पे आपने ट्रेड देखी आपको नज़र नहीं आ रही, आप फिर कोशिश करेंगे कि H1 में देखूँ कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है, H1 में भी नज़र नहीं आ रही, फिर M13 में देखेंगे उसमें देखेंगे तो उसमें भी नज़र नहीं आ रही है, M15 में, M5 में। तो अगर आप जो जो टाइम फ्रेम आपको सूट करता है आपने वो सेलेक्ट करना है, और उसमें फिर आपने कामयाबी लेनी है, उस पर आपने अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है, अपनी एक्यूरेसी लेनी है, अपनी जो प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि आप M13 में काम करने वाले आदमी हैं और H4 का कैंडलस्टिक देख के फिर आपको सब्र नहीं होगा, और हो सकता है 2 घंटे मार्केट वहाँ पे एक ही जगह पे डंप हो जाए और साइडवे चलती रहे, आखिरी 2 घंटे में वो कोई अपनी मूवमेंट ले। तो 4 घंटे का मतलब है कि वो 4 घंटे की जब आप ट्रेड लेंगे H4 के पे देखकर, तो वो आपकी ट्रेड जो है वो हो सकता पूरा 24 घंटे चले, हो सकता 2 दिन चले, हो सकता आपका हाफ डे चले। तो क्या आप इतना वेट कर सकते हैं? इसलिए आप जो वेट कर सकते हैं वो उस हिसाब से टाइम फ्रेम को यूज़ करें। अगर M13 है तो आपका बेहतरीन है, अगर M15 है तो वो भी बेहतरीन है, अगर H1 है, यानी ये 3 टाइम फ्रेम जो हैं छोटे टाइम जो जो आदमी इतना ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते डेली जो ट्रेड करने वाले लोग हैं वो ये टाइम फ्रेम यूज़ करें, फर्स्ट के M15, M30 और H1, तो आपको एक बेहतरीन ट्रेड मिलेगी और छोटा सा प्रॉफिट लेके आप साइड पे हो सकते हैं। तो अगर आप लंबे टाइम फ्रेम को ढूंढेंगे तो फिर लंबा वेट भी आपको करना पड़ेगा, फिर लंबा प्रॉफिट भी आपको मिलेगा, यानी ट्रेड लेने के लिए भी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और जब आपने प्रॉफिट लेना उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा। क्या आप इतना आप पे इतना आप पर
आप इतना वेट कर सकते हो, आप इतना पेशेंट से वेट कर सकते हो। तो अगर नहीं वेट कर सकते हैं दोनों साइडों पे, यानी कि ना ट्रेड ढूंढने में वेट कर सकते हो ना प्रॉफिट लेने में वेट कर सकते हो, तो फिर एच फोर को मत देखिएगा। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखें, जिस पे आप देख सकते हैं और कर भी सकते हैं और प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड हमारी कोशिश थी कि वो तमाम टाइम फ्रेम जो आप यूज़ कर सकते हैं एक अच्छी ट्रेड लेने के लिए आपके साथ डिस्कस किए जाएं। आई होप कि वो तमाम नए फ्रेंड और पुराने, अगर इसके बारे में कोई भी सवाल उनके जहन में आ रहा होगा, तो आई होप कि अल्हम्दुलिल्लाह वो आप क्लियर हो चुका होगा। जी फ्रेंड, तो फिर भी आप चाहे नए हैं या आप पुराने ट्रेडर हैं, फिर भी काइंडली आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें और डेमो पर प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करें, और जो टाइम फ्रेम आपको चूज़ करना हो उस पे अपनी गिरफ्त को मजबूत करें। आई होप इंशाल्लाह आप प्रॉफिट बनाएंगे, नुकसान से बच सकते हैं। फ्रेंड हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप मौजूद है, इस पे आप कुछ सवाल हमें पूछ सकते हैं, तो कोई कॉल कर सकते हैं। और जो नए दोस्त हैं हमारे यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आप पूरा पूरा फ़ायदा टाइम पे उठा सकें और आपके बेहतरीन मशवरों से हम मज़ीद बेहतर बनाने में कामयाब हो सकें। बहुत शुक्रिया फ्रेंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।